आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा जो सभी छोटे बड़ों को सभी को पसंद होता है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम एक कप मैदा लेंगे और इसी में हम आधा चम्मच ये खाने वाला सोडा डालेंगे, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं वो ऐड करेंगे। आधा चम्मच मीठा सोडा ऐड करेंगे इसमें, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें, आधा ही चम्मच चीनी ऐड करेंगे। मेरे पास में चीनी इस टाइम पिसी हुई है तो मैं ये पिसी, आप अगर आपके पास में दाने वाली चीनी है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं, ये पिसी चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। और आधा ही चम्मच या स्वाद अनुसार आप नमक ऐड करेंगे। आप इसमें रिफाइंड ऐड करेंगे, वो भी हम आधा ही चम्मच डालेंगे इसमें, आधे से थोड़ा ज़्यादा। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि हम पिज़्ज़े का अभी बेस तैयार कर रहे हैं। आजकल बाहर बेस मिलना मुश्किल हो रहा है और बच्चों का डिमांड पिज़्ज़े की हो रही है, तो हम घर पर ही पिज़्ज़े का बेस भी तैयार करेंगे और इसकी सॉस भी हम जो पिज़्ज़े पे लगाते हैं बेस पे, वो भी सॉस में घर में ही बनाऊंगी जो आपके साथ में अभी शेयर करूंगी। और ये आधा कप, एक कप मैदा के लिए आधा कप दही, अगर मेरे पास में यहाँ मैं बिना ईस्ट के इस मैदा को गूंद रही हूँ तो मुझे दही डालना ज़रूरी है। और इस दही को मैं डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से डो बनाना है इसका। इस तरह से इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे, ये थोड़ा स्टकी हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड अपने हाथ धोकर और इसमें रिफाइंड थोड़ा सा लगा के इसको एक सा डो बना लेते हैं इसका। ये इस तरह से हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, हाथ में ऑयल लेके इसको एक सा कर दूंगी इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। इतना ही हमें ऐसा ही पतला गूंदना है, बस इसमें पानी नहीं ऐड करना है। और अगर पानी, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास दही कम है तो इसमें एक दो चम्मच ही पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने ईस्ट के बिना बनाया है ये, तो इसमें हमें दही ऐड करना है और उसी से हमारा ये जो इसका फूलने की जो क्षमता है वो उसी से होगी। इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जो हमने मैदा लगाई है वो फर्मेंट हो रही है और जब तक हम पिज़्ज़ा के ऊपर जो टॉपिंग करते हैं उसके लिए सॉस तैयार कर रही हूँ। इसके लिए हमें 2 चम्मच तेल डालना है और कढ़ाई में इसी में हमें प्याज ऐड करनी है और ये 4 से 5 लहसुन की कली हैं, इनको ऐड करना है और इनको भूनना है हल्का सा। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा सौते करना है। इसी में मैं ये टमाटर भी ऐड करूँगी, ये मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं छोटे छोटे। मैंने टमाटर को अलग से उबाला नहीं है क्योंकि 2 बार गैस लगेगी, इसलिए मैं इसी में इसको अभी थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही चलाऊँगी और फिर ढक दूँगी। इसका छिक्कर अपने आप ही उतर जाएगा,
इसको सिम पे कर दूंगी। 2-3 मिनट बाद इसका चिकन उतार देंगे हम। अब हम देखेंगे कि ये टमाटर पक चुके हैं, इनका चुक्कल उतर रहा है इजीली, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इनको चेक करूंगी कि ये चिक्कल उतर पा रहा है। ये आसानी से चिक्कल आप देख सकते हैं उतर रहा है। ऐसे करके मैं सारे टमाटर के चिक्कल उतार लूंगी। ये मैंने सभी के चिक्कल उतार लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इसको, इससे जो हमारी सॉस है वो बहुत अच्छी बनेगी चिक्कल उतारने से, और वो थोड़ी सी जैसे होती है खुरदुरी वो नहीं बनेगी, बहुत चिकनी सॉस बनेगी। इसी में मैं ऐड करूंगी ये चिली फ्लेक्स। मैं ये चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, इसी में डालेंगे हम ऑरेगिनो थोड़ी सी, थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम फ्रेश टमाटो केचप ऐड करेंगे इसमें। इसको सभी को हल्का सा भूनेंगे। इनको ठंडा होने देंगे, गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसे मिक्सी जार में हम शिफ्ट करके इसको पीसेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने मिक्सी जार में चलाकर और इसको इस तरह से पकाया है। इसे अब हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और ये पिज़्ज़े की टॉपिंग बिल्कुल तैयार है। अब ये जो मैंने डो बनाया था उसे रनिंग ही बनाया तो थोड़ा बहता हुआ, इसीलिए कि मैं इसको बेल के नहीं बनाना है, हमें हाथ से ही हमें इस तरह से दबा दबा के इसको चारों तरफ से एक सा करना है, फैलाना है, और इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है और बेलने वाले का कुछ अलग ही होता है, इसलिए हमें इस तरह से इसको आगे की तरफ को दबाना है। अब इससे इसमें हम फोर्क की हेल्प से इस तरह से निशान डालेंगे जो अक्सर आप देखते हैं। इसे कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, इसे सेकना है पहले बहुत हल्की आंच पर, हमें एक साइड से सेकना है और फिर दूसरी, फिर इसको पलट के दूसरी साइड से बहुत हल्का सा सेकेंगे जिस तरफ हम पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाएंगे। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये सिक गया है कि नहीं। और ये सूख चुका है एक तरफ से, अब हल्का सा हम नीचे से सेकेंगे। ये इधर जिधर से सूख चुका है उधर को छोड़ के दूसरी तरफ को रखेंगे। मैं इस पर पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाऊंगी जो मैंने बनाई थी, उसको अच्छे से लगाना है और नीचे से पिज़्ज़ा सिक रहा है, उसको अच्छे से चारों तरफ को लगा देना है, चला देना है इस तरह से। सॉस लगा दिया मैंने, अब इस पर मैं ये मशरूम और प्याज और शिमला मिर्च लगा रही हूँ। डालूंगी
अच्छे से चीज़ डालनी है, ताकि जब हम इसको खाएं तो मुँह में अच्छे से चीज़ खिंचती भी आए। इसके ऊपर थोड़ा सा शिमला मिर्च और डाल देते हैं, मशरूम वगैरह, और फिर हम अब चीज़ डालते हैं इसके ऊपर। मुझे सभी को चीज़ बहुत पसंद होती है पिज़्ज़ा में, इसको इस तरह से इसके अच्छे से डाल देते हैं। अब ये बन चुका है इस तरह से, हमने इसको बेस को पूरा तैयार कर दिया है। अब हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको बनने देंगे ऐसे ही बहुत स्लो आंच पर। और इधर ये जो मैंने सॉस बनाई थी पिज़्ज़ा टॉपिंग, इसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, ये मेरी बच गई है, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, और इसको हम 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था कि पीछे से इसका बेस भी बिल्कुल परफेक्ट सिका है एकदम, तो पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। और इस तरह से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना है, ट्राई करिए आप भी एक बार ज़रूर, और मेरी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई नई डिशेज़ देखने के लिए। थैंक यू।